मैंने सुना है कि एक गाय थी, दूध देती थी। वो सभी गाय दूध देती ही है, और गाय का दूध पौष्टिक होता है, शरीर के लिए हितकारक होता है, अमृत तुल्य होता है। उस गाय का दूध सभी पीते थे, पीकर आनंद सभी को आता, शक्ति सभी को प्राप्त होती। लेकिन उस गाय की एक कमी थी। उसका मालिक जब उसे बाहर खुला छोड़ देता तो वह कचरा खाती, प्लास्टिक के टुकड़े खा लेती। लेकिन सांझ को जब वो घर लौट कर आती तो उसका मालिक उसका दूध निकाल करके खुद भी पीता, बेचता भी, और अपने बच्चों को और परिवार को भी पिलाता। अब मेरी एक छोटी सी राय है आप लोगों को, राय तो मैं बाद में दूँ, एक छोटा सा सवाल है, क्या उस गाय का जो कचरा खा रही है, क्या वो दूध आप पियोगे या नहीं पियोगे? उसने तो कचरा खाया है, लेकिन दूध तो अमृत तुल्य है, आप पियोगे उस दूध को, क्योंकि आप कचरे को नहीं देखोगे, दूध को देखोगे। वैसे ही सोशल मीडिया में यदि कोई सन्यासी आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करता है और समाज को प्रबोधन देता है, अपने ज्ञान के द्वारा जन समाज को, जन समाज की चेतनता को जागृत अवस्था में ला करके धर्म में परिवर्तित करता है, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोगों को जो वहां नहीं पहुंच सकता वहां तक पहुंच जाता है एक छोटे से उपकरण के द्वारा, तो वह गलत नहीं है। और जो इसका गलत उपयोग है, ऐसा जो व्यक्ति बोलता है, मैं इतना ही कहना चाहूं कि टीवी में आने वाले प्रवचनों को रोक दो, बंद कर दो। व्हाट्सएप में जो आप साधुओं के बारे में जानकारियां देते, इधर पहुंचे फलाना साधु, इधर विहार किया, अभी आज उनका ये आहार है, क्यों, क्या जरूरत है? अपरोक्ष रूप से उनको भी तो आपने इस सोशल मीडिया का हिस्सेदार बना ही लिया। कोई कहेगा फोटो डिलीट नहीं करो, कोई कहेगा फोटो डालो ही मत। अरे भाई, ये निर्जीव उपकरण है, इसमें फोटो आने या ना डिलीट होने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। फर्क तुम्हारी भावनाओं को पड़ेगा। भाव शून्य क्रिया न प्रतिफलन, यदि तुम्हारी भावनाएं शून्य हैं और लाखों करोड़ों का द्रव्य आपने चढ़ा दिया तो उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कहूं, ये जो छिछोरापन है ना, शायद मेरे शब्द आप लोगों के दिमाग से ऊपर चले जाएंगे और आप लोगों को विचित्र लगेगा कि गुरुदेव इस तरह से क्यों बोलते। आज की वर्तमान की स्थिति यही है कि मुझे ये शब्द बोलना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो। कोई चोरी चोरी यूज कर रहा है। आचार्य उमा स्वामी ने कहा कि माया तैराग्यो नहा, मायाचार करने वाला व्यक्ति तीरंश पर्याय में चला जाता है। यदि कमरे के दरवाजे बंद है और वार्तालाप चल रही है, कई है लोग, कोई छुपके से करे बेहतर है। हम समाज का खाते हैं, समाज में जीते हैं, तो समाज से विश्वासघात नहीं करेंगे, सीधा सामने आकर के वार्तालाप करेंगे। जिसे हम लोग नहीं जचते ना, वो दूर हट जाए। जो सत्य सात्विक जैनी है ना, वो जंगलों में जाकर के तपस्वी बन जाए। मेरी इतनी ही आप लोगों को राय लेनी थी कि क्या उचित और क्या अनुचित, क्योंकि यहां तो सारे के सारे जज बन बैठे हैं। कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है, अरे परमात्मा जज है, फैसला उसी को करना है। जिसको जो कार्य करना है उसको करने दो। यदि आपको उचित नहीं लगता है तो आप उससे हट जाओ, शांति का यही मार्ग। क्योंकि आप शेर है तो कोई सवा शेर आपके सामने होता ही है, कोई परोक्ष रूप से आता है, कोई अपरोक्ष हो जाता है। इसलिए शांति का मार्ग है। जैन धर्म चर्चा का धर्म है, चर्या का धर्म है, विवादों का धर्म नहीं, संवाद का धर्म है। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर तो पीछे पीछे बैठे हुए जिनकी कोई हैसियत नहीं होती वो भी चिल्लाते हैं, सामने आओ वार्तालाप करो। ग्रुपों में चर्चा करने का अधिकार नहीं होता है। धर्म की चर्चा करो, ग्रुपों में रहो, शांति से धर्म का प्रचार करो, और अन्यथा यदि भ्रष्टाचार फैला रहे हो तो हट जाओ। ना तेरा पंथ की चर्चा, ना कोई आगम पंथ, ना कोई 20 पंथ की चर्चा, ओनली आगम, सिर्फ आगम। आगम चक्खु साहू, साधु की आँखें उसकी आगम होती है, और जो साधु आगम के विपरीत चलता है, आप चुपचाप बैठ जाओ वहाँ। यदि मैं कुछ विपरीत कार्य करता हूँ तो आइए समझाइए मुझे भी कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पर चिल्लाते क्यों हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि व्यक्ति धर्म का उपदेश देता है, संसाधन और साधन कुछ भी क्यों ना हो, वो गौण है, तो वो धर्म का एक संसाधन है और वो धर्म आपको
ऊंचाई तक ले जाएगा, नीचे नहीं ले जाएगा। लेकिन आपकी चर्चा और आपने उसके अंदर से कुतर्क निकालते, शंकाएं निकालते हैं, तो पतन आपका ही है। जय पारसनाथ, जय मां भारती। बंद करो।